जीजा जी, जीजा जी। उसी व्यक्ति को अपने मचान पे बैठा हुआ पाया। 5 साल पहले तो वो मर चुका है। असल में वो जान लेना चाहता था इनकी। मेरा बैग वही तो पहुँचाया था घर तक। जिंदा ही नहीं है वो, उस बंदे को नजर आ गया। हो ही नहीं सकता है, आपको कैसे मिल किसी आत्मा का प्रकोप। अब मैं नहीं बचूंगा, मैं जा रहा हूँ। मम्मी एक बार बेहोश हो गयी। तो आप लोगों का एक बार दोबारा से स्वागत है हमारे भूतिया स्टोरी के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी हम लोग बता रहे हैं वो एक्चुअली में हुआ है। हम लोग कोई स्टोरी बना के कहीं से उठा के ये आपको नहीं सुना रहे हैं, तो प्लीज ये कमेंट करना बंद करो। हम लोगों ने जो भी अभी तक स्टोरी बताया है वो सब रियल है, और हम लोगों को फेक बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत पहले ही बोला है कि हमारे साथ इतनी सारी घटनाएं हुई हैं कि अगर हम बताना शुरू करें ना तो कम से कम समझ लो 500 वीडियो बन जाएगा हमारा। समझ रहे हो आप? ज्यादा, 500 से भी ज्यादा, और घटनाएं और भी बहुत सारी हैं। तो इस जो स्टोरी टेलिंग है ना हमारा, इसके फॉर्मेट में अभी हम आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। नॉट जस्ट भूतिया स्टोरी, और भी कई सारी चीजें, कई सारी कहानियां, कई सारी घटनाएं जो हमारे साथ होती आ रही हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में वीर जी की बात करेंगे, जो तुमको खाना बना के खिलाते थे ना वजीराबाद में, याद है? हम लोग रूम पे एक लड़का आता था, खाना बनाता था। हाँ वीर जी, वीर जी फ्रेंड्स ग्रुप के टकले चांद वाले। अच्छा, उसका क्या सुनाओगी, उसका क्या कहानी है? बहुत खतरनाक कहानी है वो, सुनाया है हम लोगों को। और अक्सर हम लोग वीर जी को यही करने के लिए बुलाते थे, वो कहानी सुनाते थे और हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, बहुत खतरनाक। लेकिन वो आज नहीं, आज जो डिसाइड किया है मौसा जी वाला, वही कहानी सुनाएंगे। आज जो हम लोग आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई हमारे साथ हुआ हुआ घटना नहीं है, किसी और के साथ, यानी कि हमारे मौसा जी के साथ हुआ था। कुछ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ही है। ऑफ कोर्स भूत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, कोई छोटे लेवल पे हुई ही नहीं है, सब अलग लेवल पे ही हुआ है, या तो हुआ ही नहीं है, तो इस तरह का है। और चलिए अपने भूतिया स्टोरी के एक और एपिसोड को शुरू करते हैं। तो ये लगभग 2013-2014 की बात है। एकदम से फ़ोन कॉल आता है हमारे मौसा जी के घर से, ठीक है, मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन बजता है, और एकदम से बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लोग रो रहे थे, चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और ये कि मौसा जी अब नहीं बचेंगे, ठीक है। ये चीज़ सुनने के बाद, मतलब हमारे घर में उस टाइम पे आसपास में जितने भी हम मेंबर थे सब लोगों का दिमाग खराब हो गया कि ये एकदम से हुआ क्या। और मम्मी रोना शुरू कर दी उसी टाइम चिल्ला चिल्ला, हाँ एकदम से, मतलब ऐसे एकदम कूदने लग गई मम्मी कि जीजा जी, जीजा जी, बहनोइया कहते हैं हम लोग। एक मिनट, तुम गलत बोले हो, ये बात 2013 का नहीं है, 11 के आसपास का है। हाँ ठीक बोल रहा, 2013 का नहीं, 11 का। अब बोलो, 11 के आसपास का बात है ये। हाँ, में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पुरानी बातें हैं। शायद मैं उसके थोड़े टाइम बाद गुड़गांव गया था, तो उसी बेस पे मैंने ये टाइम बताया आप लोगों को। तो फोन आता है, तो जितने लोग वहाँ पे रो रहे थे कोई सही न्यूज इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं पा रहा था उस टाइम पे। तो कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत पता चला हमें कि मौसा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक्सेस लेवल पे, और वो हॉस्पिटल में है। वहाँ से जो फ़ोन कॉल आया था वो हॉस्पिटल से ही आया था, और उसके बाद मतलब जो डिसीज़न लेना चाहिए हम लोगों को वो डिसीज़न हम लोग ले नहीं पा रहे थे। सब मतलब आप समझ सकते हो कि एक जवान व्यक्ति, मतलब जवानी थी तो उस टाइम पे, तो है ना 50 साल के, हाँ लगभग पागल, अभी हाँ 60 साल के भी होंगे, हाँ अभी वो जिंदा है। 50 साल के थे, सही तो बोल रहा हूँ ना मैं। अरे अभी मस्त हेल्थ है उनका, तो फिर है ना। तो आप लोग एकदम से सोच नहीं सकते हो कि इतना हेल्दी इंसान कैसे एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है। उस टाइम पे क्या हुआ कि मम्मी को तो एकदम से जाना था वहाँ पे, लेकिन अब हम में से ये लो हम जितने भी भाई बहन थे उस टाइम पे, पापा थे, हम लोग ये सोच पा नहीं रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अब भेजे तो भेजे कैसे, वहाँ पे सिचुएशन है क्या, नहीं है, कोई जाए भी साथ में कि नहीं जाए, अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बात, ठीक है। वहाँ पे जो सिचुएशन था उससे ज़्यादा मम्मी को लेके हमारे घर पे ख़राब हो गया सिचुएशन, ठीक है। फिर कुछ घंटा मम्मी एक बार बेहोश हो गई, फिर कुछ घंटे के बाद नॉर्मल हुआ, बात हुआ उस टाइम से, मतलब कुछ समय के बाद में जो कनेक्टिविटी थी वो थोड़ा हो गया, और भी रिश्तेदार लोग पहुँच गए वहाँ पे, मतलब हमसे दूर दूर जो लोग थे ना वो लोग पहुँच गए वहाँ पे। फिर उसके बाद भागम भाग में मम्मी को ले गया स्टेशन, जो ट्रेन था उसी से एक लड़के के साथ मम्मी को मैं भेजा मौसी के यहाँ। वहाँ जाने के बाद तांत्रिक वांत्रिक ये वो, बोलो तुम, बोलो तुम, अच्छे से बता पाओगे, तुमको अच्छे से याद है, ठीक है। हाँ ये बड़ी है ना, हाँ मेडिकल जितना भी रिपोर्ट था उनका, वो रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल हेल्दी थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो सेंस में नहीं थे,
और उनकी पल्स जो थी, पल्स रेट, वो भागती जा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि एट अ टाइम, इस टाइम पे हमारे यहाँ इतना मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता सकें कि क्या हुआ है, लेकिन उनकी हालत सोच लो कि वेंटिलेटर पे पहुँच गई है। और वो ये बोल चुके हैं मौसी को और अपने बच्चों को कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं जा रहा हूँ और मुझे बचा लो, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गलत दबाया जा रहा है और मैं बचूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने पहले ही बोला था। और उसके बाद धीरे 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 उनको हाई फीवर हुआ और एकदम से वो बेहोश हो गए। फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी जो पल्स रेट थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, और मतलब ऐसी नहीं है जितनी कि एक मतलब ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे इंसान को बोला जा सके कि वो जिंदा बचेगा। तो डॉक्टर का ये कहना था कि अब उम्मीद नहीं है, वेंटिलेटर पे जितना हो सके हम लोग रख सकते हैं इनको, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि ये बचेंगे। तो किसी किसी ने, अब चूंकि जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, डॉक्टर का ये सब बोलने का एक रीजन और भी था कि पल्स रेट इंसान का कितना होता है, मैक्सिमम उससे हाई जा रहा है ना। नॉर्मली बीपी जो होता है इंसान का, जितना फ्लैक्चुएट होता है, वो उससे 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। और वो मतलब बॉडी में जान था उनके, समझ रहे, वो जिंदा थे, बस जीवित थे वो। बाकी ये जो फ्लैक्चुएशन थी ना, अरे नॉर्मली सोचो ना आपकी, मान के चलो कि 105 बुखार में इंसान की मृत्यु हो जाती है और 108 बुखार है और बंदा जिंदा है सामने, ठीक है। मेडिकल में ऐसा हुआ ही नहीं है कि 105 बुखार के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। और कई कई बार डॉक्टर जो आके बोल रहा था ना, बोलने के बाद मैं डॉक्टर भी मतलब एकदम से समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। और वो इन्फॉर्मेशन हम दे तो इनको क्या दे, इन्फॉर्मेशन हम बताए भी तो क्या बताए इनको कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ में। और मतलब दिमाग से हम लोग भी, अब जिसके फैमिली में कुछ हो तो उसके फैमिली वालों का दिमाग कहाँ चल पाता है, कोई कहाँ उतना सोच पाता है। तो जितने भी ज्योतिष वगैरह होते हैं, कुंडली देखना, हस्त रेखा देखना, हर जगह अप्रोच किया गया, जो अपने हिसाब से जैसा उपाय टोटका बताया वो सब किया गया। एक बाबा, तांत्रिक बाबा, उनका कहना था कि मतलब ये प्रयोग कर दो, तुम्हारे पापा को किसी ने पकड़ लिया है, किसी आत्मा का प्रकोप है कुछ। तो मतलब मेरी मम्मी मेरी मौसी के लड़के को लेके एक गई पेड़ के पास, भागलपुर में एक पेड़ फेमस है, वहाँ पे बोलते हैं मनौती का पेड़ कुछ, मन्नत मांगने वाला पेड़, मतलब जिस पेड़ से मन्नत मांगो वो पूरा हो जाए। हाँ, लेकिन उसकी प्रथा ऐसी है कि वहाँ पे एक ईंट बांधना होता है, पता नहीं जो भी है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में। बस इतना पता है कि उस पेड़ के लिए मतलब हमारी जो फैमिली है उसमें एक खास विश्वास है कि वहाँ वास्तव में कोई भी मनौती पूरी हो जाती है, मन्नत कुछ भी पूरी हो जाती है। तो किसी ने बोला, मेरी मम्मी मेरी मौसी के लड़के को लेके गई और वहाँ पे पेड़ में ईंट बांध दिया और फिर घर आ गए ये मन्नत मांग के कि अगर मतलब मौसा जी मेरे जिंदा बच जाते हैं तो वो लोग जो पूजा पाठ होती है वो करवाएंगे। फिर एक तांत्रिक मिलते हैं जो बताते हैं कुछ क्रिया करने के लिए ये लोग करते हैं। उसके बाद से, उस क्रिया को करने के बाद से ऐसा होता है कि मौसा जी में अपने आप सुधार आने लग जाता है और फिर लगभग 24 घंटे के बाद समझ लो वो घर पे होते हैं और रिपोर्ट में कुछ नहीं होता, डॉक्टर भी ये नहीं बता पाते कि क्या था। सोचो कि वेंटिलेटर पे जो व्यक्ति है, हालांकि बहुत टाइम नहीं हुआ था, मुश्किल से मेरे हिसाब से 11 घंटे 12 घंटे रहे होंगे वो वेंटिलेटर पे। जैसे कल रात को अगर वो वेंटिलेटर पे जाते हैं तो सुबह तक उनकी हालत नॉर्मल होती है, वो होश में आ जाते हैं, डॉक्टर पहले बोलता है कोमा में है, फिर ठीक भी हो जाते हैं, बहुत स्पीड रिकवरी, एकदम से ठीक। 24 घंटे बाद समझ लो कि डॉक्टर इनको घर जाने की परमिशन दे देता है, आ जाते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 24 घंटा या एक दो दिन, लेकिन बहुत स्पीड रिकवरी उनकी होती है। सब जो भी था, सब खुशी का माहौल होता है, चर्चाएं चलती हैं। लगभग हफ्ते दो हफ्ते बाद जब ये घर से निकलते हैं तो मतलब क्या होता है कि घर वाले ना जो मन्नत मांगते हैं, एक्चुअली में इनकी जो हालत ख़राब होती है वो होती है किसी दूसरे जगह पे। ये एरिया भागलपुर से थोड़ा दूर था, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी और इनकी एक सरकारी नौकरी भी थी। मतलब तुम अब ये जो बात बता रही हो वो उनके एडमिट होने से पहले की है? हाँ। तो ये चीज़ वो क्लियर कर दो। नहीं, हाँ मतलब अब वो बीमार पड़ते हैं जिस जगह पे, वो भागलपुर जगह नहीं है, वो कहीं और से, वो कहीं और है, वो दूसरे जगह से, मतलब जहाँ पे वो जॉब करते थे वो बांका जिला में पड़ता है। हाँ, जहाँ पे वो पोस्टेड थे। हाँ, जहाँ पे वो पोस्टेड थे वहाँ पे तबीयत खराब होता है उनका और वो वहाँ से भागलपुर आते हैं, मतलब अपने घर आते हैं मौसा जी।
ठीक है, और अपने घर पे आने के बाद में ये चीजें होती है, और यही के हॉस्पिटल से ये जो जो भी कुछ बताया हमने आपको। अबे तुमको कैसे पता है भाई, इसको अरे पता है यार, कंफ्यूज ही कर दोगे पूरा। अरे नहीं, मेरी मौसी रहने वाली है भागलपुर की, उनका पोस्टिंग हुआ था बांका में जहाँ उनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन भागलपुर में एक पेड़ है जिसके बारे में ये बात फेमस है कि वहाँ पे ईंट बांधने से तबीयत ठीक होती है। तो मम्मी मेरी मौसी के लड़के को लेके बांका से जाती है भागलपुर, वहाँ उस पेड़ में वो मनौती की ईंट बांध के और फिर ये लोग वापस आते हैं, इनकी तबीयत ठीक हो चुकी है, ठीक है मेरे मौसा जी की। अब वो बांका से सोचते हैं कि भागलपुर अपने गाँव पे जाऊँ और पूजा पाठ अच्छे से करवाऊँ, जिंदा बच गया हूँ। तो रीज़न ये था कि इनकी जो तबीयत खराब हुई थी वो एक्चुअल में हुई थी भागलपुर में ही। ये आए थे यहाँ भागलपुर अपनी 2 दिन की छुट्टी मनाने, बरसों बाद अपने गांव में आए थे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बांका के हॉस्पिटल में थे, वहाँ से आते हैं घर पे, यहाँ जब ये ठीक हो जाते हैं तब सोचते हैं कि मतलब ठीक हो जाने के बाद आदमी गांव जाता है ना, तो बस अपना पूजा पाठ में सब बिजी होते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद एक दिन ये मोहल्ले के लोगों के साथ उठम बैठम जो भी है चल रहा है इनका। तो होता ये है कि जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तो तबीयत खराब होने से एक दिन पहले ये भागलपुर से चले जाते हैं, ये बांका में जब पोस्टेड थे तो वहाँ से आते हैं भागलपुर 2 दिन छुट्टी मनाने। उस ड्यूरेशन में इनके साथ कुछ होता है जिसके बारे में ये चर्चा नहीं करते हैं किसी से, बस 2 दिन की अपनी छुट्टी मना के निकल जाते हैं, और जब ये भागलपुर से निकलते हैं बांका वापस जाते हैं तो वहाँ उनकी तबीयत खराब होती है। तो अब सिचुएशन ये है कि गांव के लोग जो बैठते हैं ना, जनरली चबूतरा आप मेरे गांव में भी देखते हो, हर जगह होता है, तो इनका जो मोहल्ला था वहां पे एक बैठक, गांव का बैठक जो पेड़ के नीचे लगता है, हर एक गांव में होता है, पंचायत कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं, जहां गांव के लोग बूढ़े बुजुर्ग अपना शेयर करते हैं सुख दुख शाम के समय पे। तो ये भी बैठे हुए थे और बोले कि भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं बच गया। फिर इनको ना याद आया कि मेरी बहुत सारी जमीनें हैं खेत, उसमें फसल उगाने के लिए मैं जिसको दे के गया था पिछले 5-6 साल से ऐसा है कि वो मुझे फसल पहुंचा नहीं रहा है, मुझे उसका पता चाहिए। इन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को ये बात बोली जो इनके साथ में बुजुर्ग बैठे हुए थे उनको, कि मुझे जो बंदा है मान लेते हैं कि XYZ जो भी नाम था उसका, उसका कॉन्टेक्ट दे दो, खेत में बहुत दिन से फसल नहीं हुआ है, मैं उससे फसल उगा लेता। वो मुझे 2 दिन पहले ही मिला था, अरे तबीयत खराब होने से पहले ही मुझे मिला था, लेकिन मैं उसको बोलना ही भूल गया। आया था तो स्टेशन से मेरा सामान लेके वो ही हमको पहुंचाया था घर तक। क्या था कि रेलवे स्टेशन से घर तक का सफ़र थोड़ा दूर था, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर, और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाती है, पैदल ही रास्ता है। तो मौसा जी जब स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ उनको एक आदमी मिलता है, वो आदमी पैर छूता है क्योंकि वो पहले इनका खेत कर रहा था, इनको लगता है कि जो भी है मेरा खेत करने वाला है, उसका पटीदार था वो, एक्चुअल में वो नहीं करता था, उसका पटीदार ही था। तुमने ना स्टोरी को ट्रिकी कर दिया, ये बता, ये जो बात बता रही है ये है बीमार होने से पहले की कहानी। हाँ, क्यों बीमार पड़े उसके पीछे रीजन सुना रही हूँ आपको मैं। स्टेशन पे उतरते हैं, इनको कोई पैर छूता है और वो सुख दुख हालचाल पूछ लेता है कि बाबा कैसे हैं, क्या हैं, अच्छे हैं। तो ये पूछते भी हैं कि क्या 4-5 साल से अनाज तुम पहुँचा ही नहीं रहे हो, हम भी आते नहीं हैं। तो कहता है अच्छा बाबा इस बार से मिल जाएगा अनाज अच्छे से, ऐसा बोलता है। फिर वो कहता है कि लाइए आपका बैग मैं उठा लेता हूँ, माथे पे बैग लेके चल लेता है। पूरे रास्ते मस्त बात करते हुए ये लोग आते हैं। फिर ये मौसा जी अपना जो भी था आज की रात बिताते हैं, अगली रात बिताते हैं, और फिर उसके बाद वापस बांका चले जाते हैं जहाँ उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ठीक होने के बाद ये वापस आते हैं भागलपुर अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करने के लिए। तो इस टाइम पे इनकी बात हो रही है गांव के लोगों से और ये कह रहे हैं कि फलनवा जो मुझे उस दिन मिला था, मतलब वो व्यक्ति जो मुझे उस दिन मिला था जो मेरा खेत करता है, उसका नाम पता एड्रेस दे दो ना, मैं भूल गया उस दिन उससे फ़ोन नंबर लेना, उसका कांटेक्ट लेना, 4-5 साल से मुझे फसल नहीं पहुंचा रहा है, उस दिन बोला भी था कि आऊँगा लेकिन मैं इतना बीमार पड़ा हुआ आया नहीं मुझे देखने के लिए, सब लोग आए तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। तो जब ये बात वो कह रहे थे मोहल्ले के लोगों से तो उन्होंने कहा कौन कौन मिला था आपको? तो ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि उसका नाम है रामू, तो मुझे रामू मिला था, मेरा बैग वही तो पहुंचाया था घर तक, माथा पे बक्सा मेरा अटैची ले करके वही घर तक आया था, पूरा रास्ता मेरी बात हुई थी उससे, बोला भी कि हम अब की बार से फसल आपको पहुंचाएंगे, पहुंचाया नहीं है, थोड़ा उसका नंबर दे दीजिए। तो सब लोग कह रहे मर्दे पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले का है तो हो ही नहीं सकता है, आपको कैसे मिल गया, पहचानते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल पहचानते हैं, पैर छुआ है, अपना नाम भी बताया है, हम चेहरा से पहचानते हैं, वही आदमी था। तो सब लोग कहते हैं
कि अरे यार तो पांच साल पहले गया तेल लेने, पांच साल पहले तो वो मर चुका है, तो आपको मिला कैसे बाबा? वो आप तो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, पूरा रास्ता वही मेरा बैग उठाया था, मेरे से बातचीत चल रहा था, बल्कि मेरे घर पे आ करके हम बोले, मेरा हैंडपंप चला के मेरा मुंह भी धुलवाया है, पाइप जो होता है उसका हैंडपंप का वो सूखा हुआ था, वही उसमें एक बोतल पानी डाल करके मेरे हैंडपंप को पानी दे करके, और हैंडपंप जो होता है ना सूख जाता है काफ़ी दिन तक नहीं चलाओ तो इनका जो हैंडपंप था वो हैंडपंप को कई बार पंप देने से उसके अंदर से पानी बाहर आती है और इसमें ना पानी डालने में हेल्प करनी पड़ती है, चापाकल। हाँ चापाकल। तो इनका कहना था कि पड़ोसी के यहाँ से पानी मांग के भी वो आया था और लेके आया था और चापाकल चालू किया था, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अंत में बात एकदम आग की तरफ फैल गई कि फलां व्यक्ति जो मर चुका था उसके बारे में कह रहे हैं कि हमको घर पे पहुंचाया है, घर पे पहुंचाया है। अब जब ये घर पे आए तो इनको लग रहा है कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो मुझे मिला, वो मुझे घर तक पहुंचाया, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और ऐसी तबीयत ख़राब हुई जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। उसके बाद मौसा जी का दिमाग ठनक गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब पता ये चल रहा है, मतलब आज की रात ये इन्होंने घर में ये बात डिस्कस की कि यार उस दिन सब लोग कह रहा है कि वो मर गया है, हम कैसे यकीन कर ले, मेरा तो वो अटैची सहित मुझे घर तक पहुंचाया है, सब मजाक तो नहीं कर रहा है, उसको बुलवाओ। उसके घर के जो बाकी के भाई थे, वो लोग लगभग 8 या 7 भाई रहे होंगे जो भी थी, उनमें से 2-3 भाई आए। आए तो पता ये चल रहा है कि मेरे मौसा जी की जो ज़मीन थी जिसपे वो लोग खेती करते थे, ये तो कभी देखने जाते नहीं थे, और वहाँ रहते ही नहीं थे। हाँ वो रहते नहीं थे, लगभग 35 साल से एक ही परिवार इनकी घर खेती करता था, इनके पिताजी ने उन परिवार को दे दिया था, मौसा जी के जो पिताजी थे उन्होंने अपने जमाने के टाइम पे उस परिवार को दे दिया था खेती करने के लिए, और लगभग मौसा जी भी 20-20 साल के बाद कभी जाते थे देखने के लिए, और ये लगभग 20 साल बाद का ही सफर था जब वो गए थे पूछने हालचाल लेने अपने खेत का, क्योंकि 4-5 सालों से फसल नहीं आ रही थी, उन्होंने सोचा कि जाके पूछूंगा। जब बुलाया तो वो लोग कह रहे हैं कि आपका कैसा जमीन, आपका तो वो जमीन ही नहीं है, वो तो हम लोगों का हो गया, हम लोग इतने साल से खेती कर रहे हैं। हमारे देश में एक सिस्टम चलता है जो खेती करता है बाद में अपना हक जमा लेता है, मौसा जी को इस बात का फनक ही नहीं था कि वो इनका जमीन हड़प चुके हैं, सिस्टम नहीं चलता, चोर हो गए साले। हाँ, मतलब एक चलता है जिसमें वो चाहते हैं कि मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं उस जमीन पे कब्जा कर लूँ, और वो इस तरह की बात करने लग गया कि आपका कैसा जमीन, वो हम लोगों का हो चुका है, हमारा हो गया है। पता ये चलता है कि मौसा जी के जो चचेरे भाई भाई थे उन्होंने उसी लड़के को जो मौसा जी को मिला था बैग लेकर के, उसको मरने से कुछ समय पहले ही टोका था और ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी फसल को लेकर के, क्योंकि वो लोग भी उसको अपना ज़मीन दिए थे और उन लोगों का भी ज़मीन वो कब्जाना चाहता था। फ़र्क ये था कि मौसा जी अपना ज़मीन कभी देखने नहीं गए तो उसने कब्जा ले लिया, लेकिन इन लोगों का ज़मीन इनके पास था और ये लोग अक्सर जाते थे देखने के लिए, इसलिए इन लोगों का ज़मीन कब्जा लेने में उसकी फ़ाइट होने लग गई, इसलिए वो उन लोगों का ज़मीन नहीं ले पाया। तो ऐसा पता चलता है कि मौसा जी के हाथ से इनकी ज़मीन जा चुकी है, और अब इनको समझ में आया कि जो मैं बोला उसको सफ़र में, याद है मैं बताई, मौसा जी उसको बोल रहे हैं कि तुम फसल नहीं पहुंचाते हो 4-5 साल से, तो कह रहा है कि अच्छा पहुंचाएंगे सब फसल, अच्छे से पहुंचेगा, इस बार पहुंचेगा पक्का आपका फसल। असल में वो जान लेना चाहता था इनकी, और वो तांत्रिक जो बोला कि ऐसे ऐसे पूजा करो और ये करो, उसने मेरी मौसी को एक बात बताई थी कि किसी से इन्होंने कुछ तो ऐसा बोला है जो चीज़ उसको पसंद नहीं आई और इसके कारण इनका ये बुरा हाल हुआ है, तो वही चीज़ घातक हो गया। हाँ कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई दुश्मन जो पड़ गया हो पीछे, तो मेरी मौसी ने बोला नहीं ये तो बहुत सीधे साधे आदमी है, यहाँ तक कि पहली बार 20 साल बाद घर पे गए थे, कहा है कि 4-5 साल से खेत से कोई फसल नहीं आ रहा था, हम लोग तो किसी से दुश्मनी तो छोड़िए कुछ ऐसा नहीं है कि लेंगे। उसने ये बात कही थी मौसा जी को कि किसी से तो आप दुश्मनी लिए हैं जो आपको बहुत भारी पड़ा है, मतलब मौसी जी को बताया कि उनकी तबीयत इसी वजह से ख़राब हुई है। अब जाकर सबको समझ में आया कि असल में वो भूत चाहता ही नहीं था कि ये अपना ज़मीन वापस लें या उसका एक फसल या एक तिनका भी वापस लें, जिसके कारण इनकी तबीयत ख़राब हुई और ये इतना बड़ा भवंडर खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो तांत्रिक जी जो मौसी को ये बताए थे कि किसी से दुश्मनी लेने के कारण इनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो फिर
आते हैं, घर में पूजा पाठ होता है और उसके बाद लगभग माहौल शांत था, कुछ खास वैसा बिगड़ा नहीं। लेकिन जो खेत था मौसा जी का, उस पर मौसा जी सोचे कि अपना कब्जा लेने के लिए जाता हूँ, तो इन्होंने उस पर एक हमारे यहाँ अगोरिया चलता है जो खेत का रखवाली करता है, दिन रात वहाँ सोता है, हाँ पेट्रोलिंग करने के लिए। तो वहाँ पे कुटिया बनवा दिया और किसी को रख दिया कुछ दिन के लिए, सोचे कि वो लोग कब्जा लेंगे, केस चल ही रहा है, तब तक के लिए किसी को रख देते हैं। वो व्यक्ति दो रात सोया, तीसरी रात उसने उसी व्यक्ति को अपने मचान पे बैठा हुआ पाया कि एक व्यक्ति मेरे मचान पे बैठा हुआ है, और वो पहचान गया क्योंकि वो सेम ही बिरादरी के लोग थे आसपास के। उसके बाद वो आया, रोता भी लगता कि भैया हम नहीं करेंगे तुम्हारी खेत की रखवाली, हमसे नहीं हो पाएगा, आप अपना खेत रखो चाहे जो हो, मेरा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, गर्दन दबा रहा था कोई, मेरे मचान पे बैठा हुआ मैंने किसी को देखा है, अब हम आपका खेत नहीं करेंगे बाबा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद वो चला गया। जब उसने ये बात इन लोगों को कही तब ये लोग श्योर हो गए कि अभी तक जो कहानी चल रही थी वो कहीं से भी झूठी नहीं थी, इसका कोई ना कोई वास्ता था। ये है ये स्टोरी जो मौसा जी के लाइफ से है, और इसके लगभग आई विटनेस बहुत सारे लोग हैं क्योंकि सबने देखा था। इनफैक्ट डॉक्टर और हॉस्पिटल और जितनी भी चीज़ें हैं सबका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस स्टोरी में, इसलिए आप सबके सामने ये लेके हम आए आज। नहीं डॉक्टर डॉक्टर तो खुद ही नहीं मान रहा था ना, वो मान क्या वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे वो कि आखिर तबीयत में हुआ क्या है। वो मानते कि ऐसा नहीं है, तुम हॉस्पिटल का कहानी भी नहीं जानते हो, एक से बढ़ के एक है भाई, हॉस्पिटल में ही हो जाता है ना ये सारा चीज, बहुत चीजें हैं भैया हॉस्पिटल में जो मुर्दा घर वगैरह होता है, बहुत खतरनाक, मुर्दा घर से भी ज्यादा हॉस्पिटल का खुद का कहानी है। दो तीन कहानी इतनी घातक है मेरी फ्रेंड के लाइफ की, बता दूं तो अभी हालत खराब हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम लोग जो है कुछ खतरनाक कहानी लेके आएंगे होपफुली। और मुझे क्या लगता है कि ये वाला स्टोरी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आगे का पीछे पीछे का आगे बता दिया। हो सकता है ऐसा हो गया हो क्योंकि अपने साथ नहीं हुआ था ना, किसी और के साथ हुआ था ये। हाँ, ये चीज़ अपने साथ जो भी होता है वो हम आसानी से बता पाते हैं। तो मैंने तो वापस एक लाइन में कंफर्म तो किया ही कि कहानी हुआ क्या। लेट्स सी ऑडियंस को कितना समझ में आया ये स्टोरी, आपको थोड़ा सा समझ में अगर ट्रिकी लगा हो, अगर मैंने सही बोला तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी अगले टाइम से हम लोग कोशिश यही करेंगे कि अपने साथ जो हुआ है वही मोस्टली चीजें ज्यादा कवर करें। बाकी ये था हमारा आज का भूतिया स्टोरी का एक एपिसोड, होपफुली आपको मज़ा आया होगा सुनने में और एट द सेम टाइम डर भी लगा होगा क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअली में डरावना है। और इस तरह का हादसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है कि जो कभी था ही नहीं है, जो जिंदा ही नहीं है, वो उस बंदे को नजर आ गया। इनफैक्ट वो थोड़ा सा उसके काम वाम करने में कुछ हेल्प भी किया। इस तरह का बहुत सारा स्टोरी हमने सुना भी है पहले भी। और ये हमारे घर में ना दो लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन दोनों अलग अलग आदमी है और दोनों का जो सोल है वो भी अलग अलग था। तो अभी हमने आपको एक बताया, दूसरा हमको अच्छे से पता भी नहीं है। तो प्लीज़ एक चीज़ मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि ये कमेंट मत करना कि बना बना के स्टोरी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है क्योंकि बनाने बनाने वाला कोई काम ही नहीं है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बनाने लगेंगे तो उसमें सुनाने का एक तो फ्लो अच्छा रहेगा पहली बार, क्योंकि लिख के बोलेंगे फिर और दूसरा उसमें जो कहानी की फ्लो भी रहेगी वो अच्छी होगी, और फिर जो स्टोरी होगी वो हर्बल होगी कुछ ज्यादा ही, इतना ऐसा नहीं होगा जैसा कि आप जो जो स्टोरी आप सुनने के बाद रात में आप शायद सो ही ना पाओ, है ना, इतना अगर सो भी तो फिर एकदम सपने में बचाओ पैंट में ही बाढ़ आ जाए। वही वही तो ये था हमारा भूतिया स्टोरी, होपफुली आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।